हे गाइस, वेलकम टू अनीताज फूड पैराडाइज। अगर मैं आपसे पूछूं आपने कितने तरह की बर्फी खाए, आप बोलेंगे नारियल की बर्फी, बेसन की बर्फी, चॉकलेट बर्फी। बट आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक बर्फी की रेसिपी लाई हूँ, वो है बटरस्कॉच बर्फी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और बहुत ही झटपट बनने वाली स्वीट है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं रेसिपी पे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन को मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखा है, और जैसे ही पैन हल्का गर्म हो जाए हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 बड़े चम्मच घी। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाए हम उसमें ऐड कर लेंगे 250 ग्राम मावा, जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने मावा को घर पर ही बनाया है, आप चाहे तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बस 3 मिनट में आप इस इंस्टेंट मावा को घर पर ही बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हम मावा को तब तक कुक कर लेंगे जब तक वो थोड़ा मेल्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मावा है बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी, और अब हम इन दोनों ही चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए चीनी यहाँ पे पिघलना शुरू हो गया है। हमें अपने इस बैटर को बिल्कुल लम्प फ्री कर लेना है। और जैसे ही हमारा मिक्सचर यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो जाए हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे, अब क्योंकि ये बटरस्कॉच बर्फी है तो भाई बटरस्कॉच में जो बटरस्कॉच के प्रलाइंस होते हैं हमें उसे भी तो डालना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा है ये 1/4 कप बटरस्कॉच प्रलाइन है, हम इसे भी अपने इस मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घर पर बटरस्कॉच प्रलाइन बनाने के लिए हम ले लेंगे 1/4 कप चीनी। चीनी को हम अच्छे से कैरामलाइज कर लेंगे, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर, और हम उसमें आलमंड्स को चॉप करके ऐड कर लेंगे, और फिर हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल घी छोड़ने लगा है। तो अब हम स्टेज पे गैस को कर लेंगे बंद, और अब हम चलते हैं इसे अपने मोल्ड में पो करने। आप चाहे तो गैस बंद करने के बाद इसमें आप बटरस्कॉच एसेंस 1/2 टीस्पून या 5-6 ड्रॉप्स इसमें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केक मोल्ड को अच्छे से बटर पेपर से लाइन कर रेडी कर लिया है। तो अपने इस तैयार मिक्सचर को हम अपने मोल्ड में पो कर लेंगे। हम इसे एक बार टैप कर लेते हैं।
इसके ऊपर भी हम बटरस्कॉच प्रलाइन से थोड़ा गार्निश कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसे चॉप्ड पिस्ताशियो से भी गार्निश कर लेंगे। अभी हमारी जो बर्फी है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो हम इसे पहले रूम टेम्परेचर में आने देते, उसके बाद हम इसे 1 से 2 घंटे फ्रिज में रख के सेट कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो बर्फी है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो चलिए अब अपने इस बर्फी को बिल्कुल फेस्टिव लुक देने के लिए हम इस पर सिल्वर का वर्क लगा लेते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। लीजिए तैयार है हमारे दिवाली स्पेशल बटरस्कॉच बर्फी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।